दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आप लोगों के साथ अक्सर बहुत सारे मील प्लान शेयर करती रहती हूँ पर एक सवाल जो कई बार आता है वो कि नेहा ये सब तो ठीक है पर हम लोग घर के साथ ऑफिस के साथ बच्चों के साथ कैसे इतना टाइम निकालें कि हम एवरी मील फ्रेश बना के घर पे खा सकें तो फ्रेंड्स इसका ना एक बहुत ही सिंपल आंसर है मील प्लानिंग अगर मुझे मील प्लानिंग को आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना हो तो आप ऐसे सोचिए कि आप दिन भर काम करके ड्राइव करके अपने घर फाइनली शाम को आए हैं आपको बहुत भूख लग रही है और आपको मन कर रहा है कि आप एक आलू पराठा खाएं अब इसकी संभावना बहुत ही कम है कि आप स्क्रैच से शुरू करते हुए पूरा आलू पराठा बना के खा लें पर अगर आपका आटा रेडी है आपकी आलू की फिलिंग रेडी है तो बहुत अच्छा चांस है कि आप जरूर अपना आलू पराठा और चाय इंजॉय करेंगे तो बस यही है मील प्लानिंग तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना ये मेरे चैनल को सपोर्ट करने में मेरी बहुत ही मदद करता है सो विद लेट्स स्टार्ट द वीडियो से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे मील प्लानिंग में बहुत हेल्प करती हैं सबसे पहले मैंने ये मील प्लानर लिया था ये मैंने अमेजोन से खरीदा था इसके अंदर आप अपना पूरा वीक का मील प्लान लिख सकते हो हालांकि आप ज़रूर एक नोट पैड पर भी अपना मील प्लान लिख सकते हो पर जब आप किसी चीज़ के लिए कोई बुक ले लेते हो ना तो आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को करते हो उसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा स्टोरिंग सिस्टम क्योंकि हम मील प्लानिंग में कुछ प्री प्रपरेशन करके रखते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ अच्छे एयर टाइट कंटेनर्स हों जो हमारी वेजिटेबल्स को फ्रेश रखें तो इसके लिए मैंने ये एक टेन का सेट मेरे पास काफ़ी टाइम से अमेजन से है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाते हैं और ये डिश वॉशर सेफ़ हैं अब डिरेक्टली सब्जियों को मैं इनमें नहीं डालती हूँ मैं पहले सब्जियों को ना मैश शीट्स में डालती हूँ और उनको मैं फिर डब्बों में डालती हूँ उससे सब्जियाँ ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं तो इसके लिए ना ये मैंने ऑर्गेनिक कॉटन के ब्रीदेबल मेश बैग्स लिए हुए हैं और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ एक्चुअली काफ़ी अच्छा रहा है इनसे सब्जियां काफ़ी फ्रेश रहती हैं एक और चीज़ दोस्तों मील प्लानिंग को ना मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रखती हूँ जैसे आप देख सकते हैं मैंने दाल लिखा है पर कौन सी दाल ये चीज़ मैं थोड़ा सा फ्लेक्सीबिलिटी दे देती हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारी सब्जियों को धो के अच्छे से सुखा के कट करके रख दिया है जो भी मेरे इस वीक में लगेंगी जैसे मैंने यहाँ पर भिंडी कर दी है मेथी मेथी मेरे पराठों में भी काम आ जाती है है और मैं सब्जी भी बना लेती हूँ लौकी भी मैंने कर दी है और मैं अपने मील प्लान को ना ऐसे बनाती हूँ कि पहले कुछ दिन मैं सब्जियाँ यूज़ करूंगी और बाद में मैं दालें और लेग्यूम्स वगैरह बनाऊंगी ताकि जितने जल्दी से जल्दी हो सके जो मेरी वेजिटेबल्स हैं मैं उन्हें यूज़ कर लूँ एंड अब यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से अब ये मेरी पूरी सब्जियाँ इसमें एयर टाइट वे में पैक हो गई हैं और ये मेरी अच्छी सी रहेंगी चार पाँच दिन तो अब यहाँ पे ना हम कुछ सब्जियों की प्यूरी बना लेंगे खासकर वो सारी सब्जियाँ तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है थी जैसे मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारा पालक था तो मैंने पालक को उबाल के फिर ठंडा करके उसको पीस के उसकी प्यूरी मैं बना दूंगी एंड हाँ फ्रेंड्स मुझे काफ़ी क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा ब्लेंडर यूज़ करते हो यू में तो मैं यहाँ पर एक इंडियन ही मिक्सी यूज़ करती हूँ पर ये मैंने ख़रीदी यू से ही है इसका नाम है प्रीथी को इसकी जो पावर है वो यू वाली ही है और इसमें आता है एक छोटा जार ये मोस्टली मैं मसाले वगैरह पीसने में यूज़ करती हूँ और ये मेरे पास एक बड़ा जार है तो मेरा इससे बहुत अच्छा काम चल जाता है यहाँ पे ये जो पानी बच जाता है ना आप किसी भी सब्ज़ी का जब आप उसको बॉयल करते हो तो इसको आप फेंकिए मत रोटी या चावलों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो जो मैंने यहाँ पर स्पिनिज प्यूरी बनाई है आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने राइस के साथ उसको डाल दिया है तो मेरे बड़े अच्छे से स्पिनिज राइस बन जाते हैं ऐसे ही कभी कभार मैं आटे में से गूँध देती हूँ तो मेरी ये स्पिनिज की रोटियाँ भी बन जाती हैं तो इसी बहाने ना बच्चे अच्छी अच्छी सब्जियाँ खाते रहते हैं सेम कन्सेप्ट आप बीट को ले सकते हैं तो बीट को भी बॉयल कर लीजिए और उसकी प्यूरी बना लीजिए सेम वे में आप उसको आटे में गूंद के बीट की रोटियां दे दीजिए बच्चों को और मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि आपको बिल्कुल खाने में ना फर्क नहीं पता चलेगा नॉर्मल रोटी में और इसमें सिर्फ कलर फ़र्क है आप टिक्कीियों में भी यूज कर सकते हैं और टिक्कियों से अब आ जाते हैं अपने आलूओं पर तो आलू भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा बॉयल करके ग्रेट करके अपने फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि जब भी एकदम से कुछ नीड होती है ना बच्चे के लिए बनाने के लिए तो आलू बहुत ज़्यादा काम आते हैं सेम चीज़ मैं चिकपीस के साथ यानी कि छोले तो छोलों को भी भिगो के विसल लगा के बॉयल्ड करके थोड़ा सा ऑयल डाल के ताकि वो ड्राई ना हो उनको मैं अपने आ, स्टोरेज सिस्टम में डाल देती हूँ तो जब भी भी नील को जैसे पराठे वगैरह खाने का मन होता है तो फिलिंग रेडी होती है तुरंत के तुरंत पराठे बन जाते हैं एंड ऐसे ही आप टिक्की बना सकते हैं तो मैं आपको आप दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ तो आलू ले लिए हैं मैंने इसकी जगह आप चिक पीस को भी आ, मैश करके ले सकते हैं उसमें जो बीट और हमने स्पिनच की प्यूरी डाली थी वो डाल दीजिए थोड़ा सा उसमें आप कॉर्न कॉन्स्टाच या फिर ऑल परपज फ्लोर बाइंडिंग के लिए डालिए और बस आपकी आ, अच्छी हेल्दी टिकिया बन के तैयार हैं तो नील को मैं इनको देती हूँ दही के साथ हल्की दही और डेट की चटनी के साथ वो इनको काफ़ी इंजॉय करता है और उसको लगता है कि मुझे कुछ नई चीज़ खाने को मिली और इसी बहाने वो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी खा लेता है एक और तरीका है इसको यूज़ करने का कि आप इसको एज़ अ सैंडविच की अंदर की फिलिंग यूज़ कर सकते हैं तो बस चीज़ डालिए आलू डालिए एंड जल्दी से उसको रोस्ट कर लीजिए आप अपने तवे पे बच्चों के बड़े ही फेवरेट सैंडविच बनके तैयार है मैं यहाँ पे ऐसे ही शक्करगंदियों को भी बॉईल करके कट करके स्टोर कर देती हूँ ये अच्छे से स्टोर हो जाते हैं ये एज़ अ स्नैक भी हम यूज़ कर सकते हैं और इनको भी आप आटा गूंद के रोटी या पराठे बना सकते हैं तो अगर आपको नॉर्मल वर्किंग डे पर शक्करगंदी वगैरह खानी है तो आपको यू नो पूरा उसको बॉयल करना पड़ेगा छीलना पड़ेगा जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और फिर हम ना वो चीज़ खाते ही नहीं है तो उसकी बजाय आप अगर इन्हें कट करके रख लें तो आप फोर फाइव डेज तक इन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एंड जो हमारे ये छोटे छोटे से एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको भी इनके पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो अगर आप इनमें से कोई रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी एंड फ्रेंड्स अब चलते हैं अपनी बेसिक चटनियों पर जो हम बहुत जगह पर यूज़ करेंगे पूरे वीक तो यहाँ पर मैंने जो इस वीक बनाई है वो है धनिए की चटनी और मैंने बनाई है डेट प्लस इमली की चटनी तो इसमें ना मैं आपको पूरी रेसिपीज इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ अदरवाइज तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती पर अगर आपको रेसिपीज चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना मैं एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बना दूंगी और फ्रेंड्स जब भी आप मान लो ऑफिस थके हारे आए हो और कुछ क्विक स्नैक का मन कर रहा है तो आपके चिक पीस रेडी है बस आप उसमें से उसमें थोड़ा सा अपना दही डाल लीजिए और जो भी हमने यहाँ पे खट्टी मीठी चटनियाँ बनाई हैं अपनी पुदीने की और डेट की वो मिला लीजिए थोड़े से मुरमुरे डाल लीजिए प्याज डाल लीजिए और आपका क्विक सा होम हेल्दी स्नैक बन के रेडी है तो इससे हम जो बाहर के यू नो चिप्स वगैरह खाते हैं उससे काफ़ी हेल्दी रहता है काफ़ी फिलिंग रहता है और बनाने में भी आप देख सकते हो मुझे सिर्फ पाँच मिनट लगे

तो अब आ जाते हैं अपने अगले एस्पेक्ट पे मील प्लानिंग के वो है एक मास्टर ग्रेवी बना लेना जो आप ज़्यादातर सब्जियों में यूज कर सकते हैं अब इसके लिए ना आपको थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा कि कितने टमाटर कितने प्याज आपको चाहिए जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिख लिया है कि जो जो मेरी सब्जियाँ बन रही है उसमें रफली कितने कितने टमाटर मुझे लगेंगे और उस हिसाब से मैंने उनको ना टोटल कर लिया है तो जैसे मेरे पास टोटल छः टमाटर मुझे लग रहा है मेरे लगेंगे तो उतने टमाटर प्याज जिंजर गार्लिक मैंने नाप के ले लिया है बस अब जैसे आप तड़का बनाते हो अपना जो कि एक ऐसा कॉमन तड़का लगा लो मोस्टली सब्जियों में चल जाएगा वैसे ही मसाले वगैरह डाल के प्याज को अच्छे से भून के आप अपनी एक मास्टर ग्रेवी रेडी कर सकते हो बस ख्याल रखना ये बनने में थोड़ा टाइम लगेगा हल्की आँच पर मसालों को बिल्कुल अच्छे से भून लेना आप इसमें तो जब तक मसाले अपना तेल ना छोड़ देना तब तक आप उन्हें भून लीजिएगा और इसको आप स्टोर करके पूरा वीक यूज कर सकते हो जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मेरे को कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी तो तो मैंने ऑयल में नॉर्मल जीरे का तड़का लगा लिया है उसके बाद मैंने बस अपनी मास्टर ग्रेवी डाल के हल्का सौते कर दिया है एंड डैट्स एट अब मैं अपनी सब्जियां बनाऊंगी एंड मेरी वेजिटेबल uh, रेडी हो जाएगी तो आप देख सकते हो सब्जी बनाने में मेरा टाइम ना आधे से भी कम हो गया है अब फ्रेंड्स एक और मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ मील प्लानिंग का जो आपको वीक के हर डे में फॉलो करना है जैसे मान लो थर्सडे को मुझे राजमा बनाना है तो इसकी प्रिपरेशन हम शुरू कर देंगे ट्यूसडे से और हर दिन हम एक स्टेप करेंगे जैसे ट्यूसडे का आपका स्टेप है कि आप राजमा को सोक करके रख दो अब वेंसडे का आपका स्टेप होगा कि उस दिन आप राजमा को अच्छे से कुक करके रेडी कर दो एंड फाइनली जब आपको थर्स्ट को अपना राजमा बनाना होगा तो आपका काम बहुत आसान होगा आपके पास पहले ही राजमा बॉइल्ड है आपकी मास्टर ग्रेवी भी बनी हुई है तो बस आपको मिला के और थोड़ा सा उसे बॉयल कर देना है ताकि मसाले आपके राजमा में आ जाएँ और जल्दी से आपका राजमा बन तैयार हो जाता है एंड आखिरी चीज़ आती है स्नैक्स तो कुछ स्नैक्स भी घर पर बना के रेडी कर लेना एक अच्छा आइडिया है तो मैंने यहाँ पर बनाया है मुरमुरे उसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों ग्राउंड नट्स और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया है उसमें मैंने अपने राइस वाले डाल के हल्का सा उनको मिक्स करके और आप एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं पूरी वीक इन्जॉय कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स फाइनली लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जब आप संडे नाइट को सोएं तो मेक श्योर कीजिए आपके सारे मसाले अपनी स्पेस पे हों आपका पूरा किचन ऑर्गेनाइज्ड हो ताकि मंडे मॉर्निंग को आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े मसालों के लिए चीज़ों के लिए एंड आपका जो काउंटर स्पेस है ना वो पूरा आप साफ़ करके सोइए क्योंकि जो मंडे होता है ना वो सबसे मुश्किल होता है निकालना और मंडे निकलता है तो पूरा आराम से निकल जाता है तो मेक श्योर कीजिए पूरा काउंटर स्पेस एकदम नीट एंड क्लीन हो ताकि मंडे मॉर्निंग को उठ के आपको कुकिंग करने का मन करे एंड विद दिस फ्रेंड्स आई एंड माई वीडियो एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे सेफ एंड बाय